बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर हम रोज़ाना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। कभी फ़ारसी कोर्स करते हैं, कभी अरबी कोर्स, कभी शायरी सीख ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ाना की बुनियाद पर हमने इस चैनल पर रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की है, और अल्लाह के फ़ज़लो करम से इसमें हमें बड़ी हद तक कामयाबी मिली है। हमने इस चैनल पर बहुत कुछ नया सीखा और हमारे अंदर बहुत कुछ सिखाने का जज्बा पैदा हुआ। ये सब अल्लाह का फ़ज़लो करम है। तो मैं आपसे सीखता हूँ, आप मुझसे सीखते हैं, हम सब एक दूसरे से सीखने वाले हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जो चीज़ सीखने जा रहे हैं वो इन सब से बिल्कुल हट कर है, और वो यकीन जाने दुनिया के आधे से ज़्यादा मसाइल का हमारा हल है। मेरी राय है, हो सकता है मेरी राय गलत हो, लेकिन ज़्यादातर मसाइल का हल उसमें मौजूद है। वो चीज़ अगर हम सीख जाएं, सही मानों में सीख जाएं और उस पर हम अमल भी कर लें, तो यकीन जाने हमारे बेशुमार मसाइल हल हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम वो चीज़ सीखने जा रहे हैं, वो बहुत एक अलग चीज़ है, एक अनोखी चीज़ है, और इंशाल्लाह आपको मेरे इस चैनल पर एक अच्छा इजाफा महसूस होगा। ये है कि जिन जिन मैदानों में हमारा जाना आना नहीं है, जिस लाइन से हमारा गुज़र नहीं है, जिन लोगों से हमारी मुलाकात नहीं है, तो ऐसी चीज़ों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में हम हर बात का एक ही जवाब दें कि मुझे नहीं मालूम। हम क्या करते हैं, बहस में लगते हैं और नई से नई बहसें शुरू हो जाती हैं, दलाइल दोनों तरफ से दिए जा रहे होते हैं, और बसा औकात में ये देखता हूँ कि हमारी जो बहस चल रही होती है उसमें ना इस तरफ की दलील मज़बूत होती है ना इस तरफ की दलील मज़बूत होती है, बस हमें बहस करनी होती है। और ये मैंने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में कई जगह सीखा, और इससे मुझे ये सीख मिली है कि खामोश रहने में और इस बात का इकरार कर लेने में कि भाई मुझे नहीं मालूम, ज़्यादा आफ़ियत है। तो आपको इस वक्त वीडियो में भी मेरे एक तरफ आपको बहुत सारी ज़बानों में मुझे नहीं मालूम का तर्जमा नज़र आ रहा होगा। ये सिर्फ़ मैंने आपकी दिलचस्पी हासिल करने के लिए किया है कि ताकि आपकी ज़बान में भी ये जुमला आ जाए तो आपको ये देखकर खुशी हो कि मुझे नहीं मालूम, या मन नदानम, या नमी दानम, या ला अदरी, आई डोंट नो, इस तरह की जो जुमले हैं, या फिर इशारे वाली ज़बान में आपके दे मुझे नहीं पता। तो बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप पहले अपने आप से पूछें कि क्या हमें इस मामले में बात करनी चाहिए। मैं आपको मिसाल देता हूं, हम सियासत की गुफ्तगू करते हैं, इसमें हम मजलिस में गौर कर लें कि ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनकी मालूमात का जो ज़रिया होता है वो ख़ुद उनको नहीं पता होता कि ये किस हद तक सही है, किस हद तक उसकी तस्दीक की जा सकती, बस गुफ्तगू करनी है, फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया। आज तक इन बहसों से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और जो लोग डूब कर इन चीज़ों में लगते हैं, इन कामों में लगते हैं, वो बिलाआख़िर कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार हमने बहुत वक्त ज़ाया कर लिया, अब हमने तय कर लिया कि हम खामोश रहेंगे। तो भाई पहले तय कर लें, खामोश रह लें। अगर आपसे कोई बात करता है कि भाई फलाने ने ऐसा क्यों किया, आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगे, मुझे नहीं मालूम। अगर आपको वाकईतन पता है, अगर आपकी रिसर्च है, आपकी तहकीक है, आप कहें, आप पूरे वसूख से कहें, आप दलाइल के साथ बात करें। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो फिर आप मैं नहीं जानता कहना सीखें, और मैं नहीं जानता से ही तो असल जानना शुरू होता है, क्योंकि दुनिया का जो हकीकी इल्म है वो अल्लाह ताला को है, और अल्लाह ताला उसमें से किस किस को कितने कितने कतरात अता करते हैं ये अल्लाह ताला का अल्लाह ताला का फ़जल है। तो हम उसमें से कुछ पाने वाले बन जाएं तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस बात का इकरार करना पड़ेगा कि मैं नहीं जानता। खैर, बात को मैं बहुत ज़्यादा पेचीदगी की तरफ नहीं ले जाऊँगा। याद आ गया कि फ़रिश्तों ने भी कहा था सुभान का ला इल्म लना, वो उन्होंने इस बात का फिर इकरार किया कि वाकई जब हकीकत खुल के सामने आई तो पता चला कि मैं नहीं जानता। तो मैं नहीं जानता कहना अगर आप सीख गए, आपसे अगर कोई शरी मसला पूछता है, आप बेशक बहुत बड़े मुफ्ती साहब हैं, बहुत बड़े आलिम साहब हैं, अगर आपको हकीकतन उसका पता है मसले का, आपको पता है कि भाई कुरान करीम की ये आयत है, ये अहादीस है, और इनकी रोशनी में मुहद्दिसीन और फुकहा ने इस मसले पर ये कलाम किया है, और अब हमारे दारुल इफ्ता ने ये फतवा दिया है, अब आप मसला बताएं। आपको मसले के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आपने नेट पे सर्च किया, गूगल पे देखा, वो उसने अल्लाह जाने किसी वेबसाइट पे आपको पहुंचा दिया, वहाँ से देखकर आपने मसले का जवाब बता दिया कि हाँ भाई ये मसला यूँ करना है। तो ये आपने अपने ऊपर एक ज़िम्मेदारी ले ली। ये तो खैर शरी मसला है, इसमें तो हर एक को बहुत एहतियात करनी चाहिए। और आज अलमिया ये है कि ज़्यादातर लोग
या तो डॉक्टर बने हुए हैं या मुफ्ती बने हुए हैं, यानी इलाज भी हर एक के पास है, मसले का जवाब, शरी मसले का जवाब भी हर एक के पास है। आप कहने की मश करें, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, आप ये कहना सीखें, उसके बाद आप यकीन करें कि लोग आप पे एतमाद करने लगेंगे। लोग कहेंगे कि यार ये बंदा तभी बताता है जब इसको पता होता है, वरना ये कह देता है कि मुझे नहीं पता। माता पता निष्ठा मिके कुरो खबर मन नमीदानम, अपनी अपनी जबान में मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम, मुझे कोई नहीं पता। जो जिस तरीके से आपको बोलना है आप बोलें, अपने दिमाग में बोलें, लोगों के सामने बोलें, इसकी मश कर लें तो आपके ज़्यादातर मसाइल का इसमें हल हो जाएगा। आज की इस वीडियो में अगर हम ये सीखने में कामयाब हो गए हैं कि मुझे नहीं जानता मैं कहना सीख जाऊँ, तो यकीन करें हमने सिर्फ इस एक वीडियो के ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें सीख ली। हमारे बहुत सारे उलूम का दरवाज़ा ही यही है, रास्ता ही यहीं से निकलता है कि सबसे पहले आप इस बात की इकरार करें कि मैं नहीं जानता, अब आपको सही चीज़ पता चलेगी। इसका मैं एक रुख और आपके सामने वाजे कर दूं कि हमने एक ख़ास किस्म का चश्मा लगाया हुआ होता है, हर एक ने अपने मसलक का चश्मा लगाया हुआ होता है, अपने नज़रियात का चश्मा लगाया हुआ होता है, अपनी मनमानी का चश्मा लगाया हुआ होता है, अपने आबा व अजदाद की चीज़ों का चश्मा लगाया हुआ होता है, पैदाइश से जिन बातों को बोल रहे होते हैं उन चीज़ों का हमने चश्मा लगाया हुआ होता है, और उसी की रोशनी में हम बस तफसीरे किए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, कलम भी गलत इस्तेमाल हो रहा है, ज़बान भी गलत इस्तेमाल हो रही है। तो इन सारे चश्मों को उतार के एक तरफ रखें और सबसे पहले दिल की गहराई से एक दफ़ा बोलें कि मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, और अब मुझे जानना है। मुझे जानने के लिए क्या करना पड़ेगा कि किसी भी लाइन की जो बावसूख ज़राए हैं, मोतबर तरीन जो उसके ज़राए हैं, उन तक मुझे पहुंचना है और फिर उनसे मुझे सीखना है। तो एक है कि हम मोतबर तरीन ज़राए को पकड़ लें और जो लोग कह रहे हैं उसको हम नज़रअंदाज कर दें। तो मोतबर तरीन ज़राए थोड़े होते हैं, हम सही इल्म हासिल करने में लगेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये होती है कि जो हमको गुमराह करने वाली चीज़ें, हमारी मालूमात को गलत रुख पे ले जाने वाली चीज़ है, वो है मेरे दोस्तों फॉरवर्ड मैसेजेस। फॉरवर्ड मैसेजेस जो होते हैं आपको व्हाट्सएप पर आ रहे हैं, फेसबुक पर आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं, यूट्यूब पर आ रहे हैं, वीडियोस की शक्ल में आ रहे हैं, तहरीर की शक्ल में आ रहे हैं, तस्वीर की शक्ल में आ रहे हैं, आपके पास ये चाहे दीनी एतबार से हो, चाहे कोई साइंसी तहकीक हो, चाहे किसी का किला कमा किया गया हो, किसी का इंकशाफ किया गया हो, कोई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबर हो, आप ये ना पढ़ें। ये सारे ये वो वाले चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये सब गलत है, ये ना पढ़ें आप। आप सिर्फ ये देखें कि सही चीज़ें कहाँ मिलती हैं, ठीक है ना। अगर दीनी एतबार से बात करें तो कुरान करीम है, अहादीस हैं, और उसके बाद फिर उन कुरान और हदीस को समझने वाले जो लोग हैं, मोतबर तरीन लोग हैं, उन्होंने जो इसको अरबी में लिखा है और अब उर्दू में भी इसको मुंतकिल किया है, ये सब हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जो दूसरे किस्म के लोग हैं, जो दूसरी किताबें हैं, जो दूसरे फॉरवर्ड मैसेजेस हैं, जो फेसबुक पर लोग बना रहे हैं, जो अखबारों में शाया हो रहा है, जो जरीदों में, जो रिसालों में, वो अंबार है, वो अभी फ़िलहाल रहने दें, वो ना पढ़ें। उसके अंदर रतबो याबी से मतलब सही भी है गलत भी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आप किसी भी मालूमात के एतबार से देख लें, कोई आपका जो फ़न है, जो आपकी लाइन है, जो आपका मैदान है, आप इसमें सबसे पहले तो ये देखें, सबसे पहले तो इकरार करें कि मैं नहीं जानता, फिर आप ये देखें कि इसमें मोतबर तरीन ज़राए कौन से हैं, उनको पकड़ लें और जो गलत चीज़ें हैं उनको नज़रअंदाज कर दें। तो इसमें बुनियादी चीज़ जो है ना वो फॉरवर्ड मैसेजेस है, ये बिल्कुल ना पढ़ें। आपके पास कोई हदीस आती है आप डिलीट कर दें, कोई आयत लिख के भेजता है तर्जमे के साथ आप डिलीट कर दें, क्यों? हालांकि कुरान की आयत है, लेकिन कुरान की आयत उसने लिखी है, अगर आप हाफिज़ नहीं है तो आपको क्या पता उसने आयत गलत लिखी है कि सही लिखी है, आप किस किस के पास जाके पूछते फिरेंगे। अगर उसने तर्जमा किया है तो आपको क्या पता तर्जमा सही किया है कि गलत किया है। और फिर बाज़ औक़ात अब वो कुरान में कुरान की आयत का तर्जमा ला तक़रबुस्सला, इसका तर्जमा है नमाज के करीब मत जाओ। तो अब अगर कोई इस आयत का तर्जमा आपको बता दे तो आप तो कहेंगे भाई कुरान करीम में है कि नमाज के करीब, मोटी सी मिसालें हर एक देता है ये मिसाल। तो आप फॉरवर्ड मैसेज जो आपके पास आए वो फ़ौरन आप डिलीट कर दें, ताकि आपके दिमाग के अंदर जो मालूमात का ज़खीरा है ना उसके अंदर यानी हर किस्म की मालूमात जमा ना हो जाए। हम थोड़ा खाएं अच्छा खाएं, थोड़ी मालूमात लें मजबूत मालूमात लें। आप उर्दू अदब में मेहनत कर रहे हैं, उर्दू अदब की कवायद की किताबें पढ़ लें, आप उर्दू के बेशुमार फेसबुक पर ग्रुप्स बन गए हैं, पेजेस बन गए हैं, यूट्यूब चैनल्स बन गए हैं, आप इन सब के अंदर घुस के अगर उर्दू को सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने लंबा रास्ता चुना हुआ है। आप कवायद उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब की ले लें, किताबुल कवायद ले लें, कोई और किताब ले लें, कोई भी एक किताब ले लें, आपको उसके अंदर सारे कायदे मिल जाएंगे, जाब्ते मिल जाएंगे,
कुछ मुस्तस्नायात होते हैं, कुछ बातों में इख्तलाफ होता है, ठीक है, सब अपनी जगह पर है। आपको किसी लफ्ज़ का मतलब देखना है, आप ऑनलाइन लगे हुए हैं, एक लुगत अपने पास रख लें, किसी अरबी लफ्ज़ का मतलब मालूम करना है, एक अरबी लुगत अपने पास रख लें। तो ये दो लाइनें मैंने आपको बता दी जिनमें मैं मुबतला हूँ, जिनमें मैं काम कर रहा होता हूँ। आपके इसके अलावा कोई और लाइन है? आप सियासत की लाइन में आपको तबसरा करना है, आपको भाई सहाफ़ी हैं और आपको लिखना ही लिखना है, तो भाई अपने खबर के ज़राए पे पहले गौर कर लें, आपको कहाँ से मालूमात मिल रही है। आपने कहीं से भी सुना और उस पर लिख दिया, इधर से सुना उधर से लिख दिया, बाद में फिर माजरत करते फिर रहे हैं। आप किसी का नाम लेते हैं, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं और आपकी तहकीक मुकम्मल नहीं है, तो कितनी यानी कितनी यानी बददियानती वाली बात है, कितनी गैर जिम्मेदारी वाली बात है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से बहुत अच्छा सीखने को मिला होगा, और ये जो जुमले आपने देखे हैं इसमें भी आपको मज़ा आया होगा। 25 जबानों के मैंने ये जुमले जमा किए हैं, और 26वीं जबान है इशारे की जबान, जिसमें आपको क्या कहना है मुझे नहीं पता, ठीक है ना। यूं भी कर दे भाई, मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, ठीक है। तो वीडियो इंशाल्लाह अब ख़त्म करता हूँ, और वीडियो कब ख़त्म होनी है मुझे नहीं मालूम।